लास्ट एपिसोड में हम लोग थे शिंगशोर ब्रिज जो कि पेलिंग में है और पेलिंग से मंगान जाने के लिए तीन रोड है। वी टुक द शॉर्टकट रोड बट इट वॉज द मोस्ट एडवेंचरस वन। क्या मंगान क्यों जाना है? क्योंकि मंगान इज द लास्ट फ्यूल पंप ऑफ नॉर्थ सिक्किम। आई मीन द राइड वॉज गोइंग गुड अंटिल दिस हैपेंड। सब कुछ शॉर्ट आउट करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए नॉर्थ सिक्किम। पूरा वाटरफॉल ही जब जम जाता है तब कुछ ऐसा दिखता है यार, क्या खूबसूरत। मेरे को ऐसे दोगे? ऐसे दोगे? इन पहाड़ों का नशा मैं करना चाहता हूँ, इन पहाड़ों में मैं जीना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाचुंग। मैं इस जगह पे हाथ के बैठा हूँ क्योंकि आप लोगों को कुछ व्यू दिखाना है और मैं व्यू दिखाता हूँ अभी। लेट मी जस्ट पुट माई टैंक बैक। गुड मॉर्निंग। ओके इन 3, 2, 1। या जस्ट लुक एट द व्यू, सो क्लोज टू द माउंटेन्स। जस्ट गेट से निकलते ही ऐसा व्यू, सुबह उठा ओ भाई मैं तो पूरा शॉक हो गया। रात को जब आए थे तब पता नहीं चला था, पर व्यू देख लो। GoPro में तो नहीं दिख रहा होगा, ऊपर थोड़ा स्नो जमा हुआ है, ऊपर थोड़ा स्नो है। ओह मैंने तो टाइम ही नहीं बताया, अगर टाइम नहीं बताऊंगा एंड डेट नहीं बताऊंगा तो ब्लॉग का स्टोरी नैरेट कैसे होगा। तो अभी बज रहे हैं 7:52 AM एंड टुडे इज 24 दिसंबर, कल है क्रिसमस। चलो ग्लव्स लेके निकलते हैं जल्दी। चलो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। कैमरा एंगल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। तभी हम लोग लाचुन से निकले 8 बजे, आज आप लोगों को दिखाएंगे 0.8। ऑलरेडी स्नो है क्या ये? नो अभी तो पूरा ऑफ रोड है, पता नहीं सामने का रास्ता कैसा होगा। दीज आर द फ्लैग्स। टाइम तो लगेगा शायद 2 से 3 घंटे लगेंगे यहाँ से 0 पॉइंट पहुँचने में, और रास्ता अगर ऐसा मिला तो फिर टाइम लग भी सकता है। कैन यू सी द माउंटेंस? ओह ठंड, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना भी ठंड नहीं है भाई। मैंने तो एक्सपेक्ट किया था माइनस पे समय बिताएंगे, लेकिन कहाँ माइनस मिल रहा है, तीन चार मिल रहा है। अभी माइनस का फील लेने जा रहे हैं, माइनस का फील लेने जाने पड़ रहा है हम लोगों को 0 पॉइंट। मेन लाचुंग यहाँ पर नहीं है, मेन लाचुंग है वहाँ पर। ये लाचुंग का एक गांव था, हमें रात हो गई थी पहुँचते, इसलिए हम लोग अब पहले ही रुक गए, ज़्यादा रिक्स नहीं लिया और पहले ही रुक गए। ये शायद है मेन लाचुंग। हाँ यहाँ पर सारे होटल्स ही होटल्स हैं, अगर आप लोग आ रहे हो तो यहाँ पर ही रुकना, पीछे मत रुकना। इतने अच्छे अच्छे होटल्स हैं। अभी जो गर्मी लग रही है
इस धूप के वजह से थोड़ा आराम मिल रहा है मेरा इस हाथ को। यहाँ भी एक गांव है, सामने भी एक गांव है। देखो देखो पिछले वाले ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, क्योंकि हम लोग थे साउथ सिक्किम में। साउथ सिक्किम से वेस्ट सिक्किम होके हम लोगों ने इंटर किया नॉर्थ सिक्किम। आप लोग समझ सकते हो ना, पूरा स्टेट ही घूम लिया मैंने, पूरा सिक्किम तो मैंने हो ही गया। लास्ट ईयर इस सिक्किम गए थे, इस साल इस सिक्किम शायद नहीं जाएंगे, शायद और 10 या 15 किलोमीटर के बाद हमको मिलेंगे। ए देखो, यामथाम इज 18 किलोमीटर्स एंड यामसेडोंग इज 32 किलोमीटर्स। फर्स्ट ड्राइव कुड बी योर लास्ट ड्राइव, या सो राइड केयरफुली। तो कल क्या हुआ, कल मंगान के वहाँ पर फ्यूल पंप पे हम दोनों का थोड़ा झगड़ा हो गया, मेरा और सोमदीप का। हम दोनों ने बैठ को शॉर्ट आउट कर लिया, लेकिन अगर आप लोग राइड कर रहे हो अपने किसी पार्टनर के साथ, वो भी उतना किलोमीटर ही ट्रैवल करके आए जितना आप आ रहे हो, ठीक है? तो सामने वाले को सिचुएशन को समझ के कोई बात बोलना। ये मैंने कल सीखा, ठीक है, पर्सनली ये मैंने कल सीखा। ओ ऊपर पूरा स्नो है, ऊपर पूरा स्नो। तो मैं रुका था बैटरी चेंज करने के लिए, सामने वाले को भी रोक दिया, उसको भी रोक दिया मैंने। चलो अबे अबे ना, गिरा नहीं लेकिन डिसबैलेंस जरूर हुआ था भाई। 8 किलोमीटर्स यामथाम, यामथाम का रास्ता बहुत अच्छा है, मेरे को तो स्नो बहुत पास से दिखाई दे रहे हैं भाई। They are clicking some pictures. Oh, this is the Yamthum Valley. Yes, and it is Shringo Rhododendron Sanctuary. यहाँ से हम लोगों को मिलने वाले हैं Rhododendron Forest. Snow, snow, भाई, snow, snow, snow. अरे पीछे 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 दरा दरा दरा, अबे सख्त है, अबे सख्त रे, बहुत हार्ड है, ये जम चुका है पूरा। ग्लास नहीं खराब करते। ओ चलो चलो भाई, अभी तो और बर्फ देखना है यार, इसी के लिए तो आए थे। अगर नए हो तो क्या करना है आप लोगों को पता है, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को।
बार बार कुछ ज़्यादा ही बार बोल रहा हूँ, लेकिन सही है, एक गोप्रो से मैनेज कर रहा हूँ भाई। राइट डिले हो रहा है लेकिन फिर भी नाइट राइड इससे पहले काफ़ी कम बार किए थे हम लोग नाइट राइड, लेकिन इस बार वास्ते वास्ते नाइट ही हो रहा है हमारा। ओ भाई 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 भाई, भाई। देखो ओ ओ ओ ओ यहाँ पर होगा ब्लैक आइस, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो यहाँ पर ब्लैक आइस है, यहाँ पर ब्लैक आइस है। जा तो भी देख आस्ते आस्ते। हाँ अभी मेरी बारी, यहाँ से। लेकिन ये देखो ये जो है ना ये वाला है ब्लैक आइस, सब पूरा पानी जम चुका है रोड के ऊपर। ये बहुत डेंजरस है बाइक के लिए और कार के लिए भी। यार क्या वैली है भाई, हाँ अभी ठंड लग रही है, लेकिन एक ग्लव्स काम करते हैं यार, चाहे जो भी बोलो एक ग्लव्स काम करते हैं। याम सिटोंग इस 27, अच्छा यामथम अभी नहीं पहुँचे, यामथम और 13 किलोमीटर है। ओ भाई ये देख लो पूरा ब्लैक आइस। चलो धीरे धीरे जाते हैं, पैर ना भिगोगे। हाँ ऐसे ऐसे। हाँ मैं बेसिकली आप लोगों को बोलूँ तो थ्रॉटल देने का तो ज़रूरत ही नहीं है, क्लच छोड़ो, क्लच छोड़ते छोड़ते जाओ। और कुछ बाइकर से मिलते हुए भाई, ऊपर देख लो एक बार। Come on, Duke. I love you, yes. एक गियर बस खींचो खींचो, अ टॉर्क मॉन्स्टर, यू आर ए टॉर्क मॉन्स्टर, यस।
ये देखो पूरा नदी सा जम गया है, नीचे अगर जा पाते तो आप लोगों को, मैं मेरे को भी समझ आता और आप लोगों को भी समझ आता। नीचे शायद पानी जम गया है, हाँ लग तो ही रहा है। ये देख लो बर्फ, अभी तो बर्फ ही बर्फ दिखने वाला है। यहाँ पर इतना ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होता गुरुदंगमान की तरह, क्योंकि ये जो पेड़ पत्ते हैं इसके वजह से, बहुत सारे पेड़ पत्ते आप लोगों को दिखाई देंगे। और मैंने सुना है यामताम वैली में, मैंने सुना है यामताम वैली में फूल भी होता है, लेकिन फूलों का महीना ये नहीं है, वो तो नहीं दिखा सकते आप लोगों को। ओ भाई 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 भाई, कितना बर्फ भाई। आई एम श्योर दिस वॉज ए वाटरफॉल जो कि अभी पूरा जम चुका है। देखिए अभी टेम्परेचर माइनस में तो नहीं होगा, तो मैं तो श्योर में बोल सकता हूँ। ऑफ रोड, हाँ मैं तो काफी टाइम से ये करने का सोच रहा था। क्या जो मजे है ना ड्यूक में सेटलिंग करने का, बस मेरे को एक ही की कमी लगती है, वो है एक हैंडल बार राइजर का बस, और हाँ फुटपैक का। ऑफ रोड फुटपैक जो होता है ना वो अलग होता है। मैंने सोचा है 390 एडवेंचर का लगा सकते हैं क्या, अगर यहाँ से जब सिलीगुड़ी जाएंगे तब पूछेंगे उन लोगों को, अगर लगा सकते हैं तो लगा देंगे। ऐसा नहीं कि ब्लॉगर जो जो जगह का नाम बताए वो सब सही है, उस वो भी इंसान ही है भाई, वो राइड कर रहा है प्लस ब्लॉगिंग भी कर रहा है, ठीक है हो जाती है कुछ। कभी कभी एक फ्लो में बात नहीं आती, टेक लेना पड़ता है। देखो अब सांस फूल रही है फिर भी मैं बक रहा हूँ। नहीं बकते, एंजॉय कीजिए भी उसको। सामने फिर से ब्लैक आइस, उसको जाने देते हैं। अरे तुम चाहो हमें जाच्छी, ये देख लो पूरा बर्फ में जम चुका है। आई एम श्योर दिस वाज अ वाटरफॉल, आई एम डेफिनेटली श्योर दिस वाज अ वाटरफॉल, बट पूरा बर्फ में जम चुका है भाई। दिस इज वाई नॉर्थ सिक्किम इज सो मैजिकल। ये देखो सामने ब्लैक आइस, हाँ थ्रॉटल नहीं देंगे, सिर्फ क्लच छोड़ेंगे बस बस। यामताम इज 2 किलोमीटर्स। इस वाले ब्लॉग को अगर आप लोग यहाँ तक देख चुके हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर। यहाँ पर कौन आ गया, गुटखा खाता है भाई, छी। तभी हम लोग थोड़ा पिक्चर विक्चर खींचेंगे, तो ये पिक्चर आप लोगों को मिलेगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे कहीं पे दिखा रहा होगा। इन पेड़ों को शायद रोडोडेंड्रॉन पेड़ बोलते हैं, अगर किसी को पता है तो ज़रूर कमेंट में बताना इन पेड़ों को क्या बोलते हैं, क्योंकि जब मैंने एंट्री किया था तब रोडोडेंड्रॉन सेंचुरी दिखा रहा था, तो ये शायद रोडोडेंड्रॉन
पेरी होंगे। यार अभी ठंड लग रहा है भाई। यमदम वैली ऑफ फ्लावर्स, तो यहाँ पर ही कहीं पर वैली ऑफ फ्लावर्स देखा, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये पूरा सीजन, जब ये सीजन होता है तब ये पूरा फूलों से भरा होता है, रंग बिरंगों का फूलों से भरा होता है। सेंचुरी एरिया इंड्स टू विजिट अगेन। तो यहाँ से अभी हम और ऊपर जाएंगे, हम तो 0.5 जाने वाले हैं, क्योंकि हमारा तो मन नहीं भरा इतना बर्फ़ देख के, हमको और बर्फ़ देखना है, ठीक है। एंड ये रहा है यमदम वैली का मार्केट, पर मैं बंद था, अभी तो खुल चुका है यार। ये देखो इधर आ, इधर आ, अरे यहाँ पे सामने जाके रुकते हैं, चलो सामने रास्ता ठीक है। थाउजेंड काइंड ऑफ, दो मंथ के बाद फेब्रुआरी या मार्च में, मार्च और एंडिंग में शुरू होता है। आप कुछ बोल सकते हैं व्यूअर्स के लिए? मार्च, मार्च एंडिंग में शुरू होता है। अच्छा, तो मार्च एंडिंग में यहाँ पर पूरा फ्लावर से भरा हुआ होता है। अभी हमारे साथ हो गया है पोपट, क्योंकि पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग 0.5 करना चाहते हो तो परमिट ऑफिस से यामसे डूम के लिए परमिट बनाना, ना कि यामथाम के लिए, ठीक है। अगर सिर्फ यामथाम वैली में रहने चिल करने का इरादा है तो सिर्फ यामथाम का बनाना, क्योंकि हम लोगों ने भी वो गलती किया, इसलिए हमको लौट के जाना पड़ रहा है यार। यार देखने का इच्छा था पूरा स्नो में ढका हुआ, और फिर से ट्रेलर देख के चले जा रहे हैं। ये देख रहे हो ना, ये पूरा जगह बर्फ में ढका हुआ है, ये पूरा वाटरफॉल ही है, वाटरफॉल जो कि जम चुका है, ठीक है। कुछ जगह अभी भी जमे हुए, कुछ ना मैक्सिमम जगह अभी भी जमे हुए हैं। एंड यार इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल मैन।